प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। नमस्कार, मैं आनंद शेखर प्रभात खबर में आपका स्वागत करता हूं। बिहार की सियासत एक बार फिर से गर्मा चुकी है। तेजस्वी यादव ने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, जहां उन्होंने बीपीएससी के पेपर लीक मामले और जातिगत जनगणना दोनों को लेकर सरकार को घेरना शुरू कर दिया। उन्होंने जातिगत जनगणना मामले में बिहार सरकार को 72 घंटे का अल्टीमेटम तक दे दिया है। उन्होंने कहा नीतीश कुमार उन्हें 72 घंटे के अंदर मिलने के लिए बुलाए, वरना राजद जल्द ही सड़क पर उतरने को मजबूर होगी। देखिए, आप सब लोग जान ही रहे हैं कि दो बार हम लोगों के प्रयास से, राष्ट्रीय जनता दल के प्रयास से, आदरणीय हमारे नेता लालू जी के प्रयास से जो है बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद से पास हुआ। और हम लोगों के प्रयास से हम लोग प्रस्ताव बिहार विधानसभा में रखा और प्रधानमंत्री से भी मिलकर के। अब हमको और कोई चारा नजर आ नहीं रहा जाति जनगणना को लेकर, केवल एक ही चारा नजर आ रहा है कि अब सड़क पर उतरना पड़ेगा और बिहार से दिल्ली पैदल यात्रा जाति जनगणना को लेकर के करनी पड़ेगी। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि अगर अभी और देर की जाएगी जाति जनगणना में तो अब बिहार से लेकर दिल्ली तक पैदल यात्रा करने को मजबूर होंगे। उन्होंने सरकार से मांग रखी है कि वो जल्द से जल्द कैबिनेट बैठक बुलाएं और जातिगत जनगणना के मामले में फैसला करें। नेता प्रतिपक्ष ने यह भी कहा कि हालिया विधानसभा सत्र में नीतीश कुमार ने इस मामले में फैसला लेने का आश्वासन दिया था, पर उनके तरफ से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और इसे तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार का डिले टैक्टिक्स बताया है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार लोगों को असली मुद्दे से भटका रही है। उन्होंने कहा कि बिहार में बेरोजगारी, गरीबी, विशेष राज्य के मामले का दर्जा, जातिगत जनगणना, इन सब से सरकार लोगों को भटका रही है और लाउडस्पीकर और बुलडोजर के ऊपर ही सिर्फ बातें हो रही हैं। इस मामले में जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने कहा कि जातीय जनगणना पर तेजस्वी यादव की पदयात्रा का विरोध नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जदयू हमेशा जातीय जनगणना की मांग करती रही है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसके लिए शुरू से ही प्रयास किया है। ललन सिंह ने बिहार के विकास के लिए विशेष राज्य के दर्जे को आवश्यक बताते और केंद्र सरकार से मांग की है। यह बात उन्होंने जदयू प्रदेश कार्यालय के कर्पूरी सभागार में आयोजित मिलन समारोह के बाद संवाददाताओं से बातचीत में कही। नीतीश कुमार जी तो लगातार ये कहते रहे जातीय जनगणना, हमारी पार्टी का स्टैंड रहा है जातीय जनगणना का, हम समर्थन करते हैं, तो इसलिए मुख्यमंत्री से उन्होंने टाइम मांगा है। ये निर्णय तो मुख्यमंत्री जी को लेना है और उनसे जाके ये इस पर वो बताएंगे ना प्रतिक्रिया। हम कैसे अरे भाई ये तो अरे पटना के ये तो उनकी इच्छा है, तो उनकी इच्छा है तो उस पर हम प्रतिक्रिया क्या दें। अच्छी बात है जातीय जनगणना का समर्थन वो भी कर रहे हैं, जातीय जनगणना का समर्थन हम भी करते हैं, तो वो उनका एक कार्यक्रम उन्होंने बनाया है पैदल यात्रा करने का, तो इसका विरोध कहाँ होने का सवाल है। उधर इस मामले में वीआईपी पार्टी के प्रमुख व पूर्व मंत्री मुकेश सहनी का भी साथ मिला है। मुकेश सहनी ने इस मुद्दे पर केंद्र की भाजपा सरकार पर हमला किया है। कुल मिलाकर जातिगत जनगणना के मुद्दे ने फिर तूल पकड़ा है और अब निशाने पर भाजपा दिख रही है। जातिगत जनगणना मामले में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार को 48 से 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, जिसके बाद आज शाम 4:30 बजे तेजस्वी यादव सीएम नीतीश कुमार से मिलने उनके बंगले पर पहुंचे। ऐसे ही और भी खबरों के लिए बने रहें प्रभातखबर.com के साथ। धन्यवाद। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई।